तो तू फसवा और क्या ले, ले। मैंने पहले फाड़ दिया ले फसवा फसवा इसके फाड़ दे ले कपड़ा फाड़ ले 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 फसवा। हेलो गाइस मैं आपका दोस्त दिल्ली का परमेश। तो गाइस काफ़ी टाइम से इसको एक लड़की ब्लैकमेल कर रही है और इसने बताया इसके पैसे खा गई, इसको कुछ प्राइवेसी फ़ोटोज़ वगैरह उसके पास में है जिससे उसको इसको ब्लैकमेल करती है बार बार गाइस, इसको धमकी देती है फंसवाने की कोशिश करती है। तो गाइस ये बहुत परेशान है और सुसाइड करने जा रहा था ये, इसको एंड टाइम पे मैंने रोका, किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। तो ये मेरे पास आया, इसने मुझे प्रॉब्लम बताई, मैंने कहा चल ठीक है तेरे लिए मैं कुछ करता हूँ। तो गाइस बस इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं और इसका पर्दाफाश करते हैं आज, वो कौन लड़की है क्या करती है कैसी है वो सब देखिए आप इस वीडियो में। भाई फोन करो भाई। हेलो लाउडस्पीकर पे करो लाउडस्पीकर। हेलो हेलो हाँ हाय रिया कहाँ पर हो? यार काफी टाइम से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ फटाफट से यार। फिर अभी यार जल्दी आ जाओ फटाफट से ना, ठीक है? ओके और ध्यान से आना, ठीक है? ठीक है ठीक है जल्दी आओ फटाफट से। ऐसा कर तू छुप जा और जब तेरे को बोलूंगा जब आइए जा जा जा। देखो गाइस वो आ गई है। हो? मुझे तो यकीन नहीं लग रहा मेरे सामने बैठे हो। सच में मैं आपकी रील्स वगैरह सब लाइक करती हूँ, मतलब इतने अच्छा अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा करते हो। थैंक यू सो मच। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ आप बताओ? मैं भी ठीक हूँ बढ़िया। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं बस थोड़ा ट्रैफिक था तो उससे लेट हो गई। आजकल यार गर्मी ज्यादा हो गई है ना, ठंड वाला सीजन तो गए। और हाँ घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया सब बढ़िया। आप बताइए आपके घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है यार। मैसेज में बहुत बात हो गई थी फिर मैंने सोचा आज मिलने का प्लान बनाते हैं। हां मेरा भी मिलने का मन कर रहा था तो इसलिए मैंने सोचा। रिलेशन में मिलना बहुत जरूरी होता है। हाँ। मिलकर एक दूसरे को जाना जाता है और जानने के बाद में ना एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि भाई कौन कैसा है, तभी समझ जाता है भाई नेचर के बारे में कैसे पता लगेगा। फोन पे आप मम्मी ने मुझे नहीं बताया आप कैसे बिहेव है कैसा नहीं, आप बात तो कर रहे हो लेकिन अगर मैं नहीं पता कर सकता कि भाई आप कैसे हो। हां मैं समझ गई ना, तो रिलेशन में मिलना भी बहुत जरूरी है। हां बिल्कुल। और सब बढ़िया? अब मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई आप आ गए। मुझे यकीन नहीं था कि आप आओगे, मुझे लगा था कि आप आज भी मतलब कि मुझे बोल दोगे कि मैं नहीं आ रही। नहीं आज मैंने मेरा आज पक्का था कि मुझे आज मिलना ही है तो मतलब मिलना है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत हो गए थे ना 10 दिन हो गए। भगवान आपका शुक्र करे। हाँ और बस यार ऐसे ही है, मैं बस थोड़ा परेशान सा था। एक मेरा फ्रेंड है तो यार वो बहुत परेशान है, उसको कोई लड़की ना ब्लैकमेल वगैरह करती है। अच्छा हाँ तो ब्लैकमेल करती है उसको। और मतलब क्या ब्लैकमेल करती है उसे? यार उसकी ना कुछ प्राइवेसी ना फोटोज वगैरह उसके पास में है। अच्छा। कुछ फोटोज है कोई पिक्चर्स है और वो बंदा इतना परेशान हो गया ना कि वो सुसाइड तक की नौबत आ गई है। अच्छा ऐसी लड़कियाँ बहुत बेकार होती हैं जो सिर्फ पैसों के लिए प्यार करती है। अरे कोई फोटोज वगैरह? तुम कैसा प्यार करती हो उससे? अरे मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या कर सकती हो मेरे लिए? मैं सब कुछ कर सकती हूँ आपके लिए। देख लो। हाँ देख लिया। अगर मना कर दिया तो? नहीं मना क्यों करूँगी मैं। पक्का? हाँ पक्का। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम। मना तो नहीं करोगी? नहीं। अपना फोन दिखा दो मुझे एक बारी। फोन? हाँ क्यों? ऐसे मुझे देखना है ना। अरे फोन में क्या देखोगे? फोन में कुछ है ही नहीं ऐसा देखने लायक। नहीं मैं यार फोन मुझे अच्छे लगते हैं ना तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपका फोन देख लूं। पास भी है? नहीं मेरा फोन तो है मेरे पास में लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपका फोन देख लूँ। मैं यार क्यों नहीं देखता, मेरी चीज़ आपकी चीज़ तो आप मेरा फोन रख लो। नहीं 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 ऐसे कोई बात नहीं है। अरे मुझे उस लड़की की फोटो दिखाओ ना। अच्छा उस लड़के की? हाँ क्या करोगे देख के फोटो छोड़ो ना। अरे दिखाओ ना। अरे नहीं यार मैं भी देख लूँ कैसा है कौन है। नहीं यार मैंने दिखाना चाहता जो लड़की की नहीं है फोटो। नहीं किसी की भी नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम वैसे तुम क्या चाहती हो, तुम कैसे डिसीजन बढ़ाना आ गया हमारे को? मैं तो चाहती हूँ शादी कर लूँ। शादी कैसे करोगी? शादी कोर्ट मैरिज जैसे होती है शादियाँ। कोर्ट मैरिज कैसे? यार घर पे मुझे दिक्कत नहीं होगी, अपने पापा में से मैं कैसे बात करूँगा? आगे दिक्कत कैसे होगी मतलब? शादियाँ मैं कोर्ट मैरिज करूँगा तो कोर्ट मैरिज करूँगा यार
अपने पापा मम्मी से बात करें भी ना, कॉन्फ्रेंस कर लूँ उनको, बताऊँ उनको, बताना जरूरी यार, मेरे मैं सबसे घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ मैं। अच्छा तो यार मैं अगर ऐसे काम करूँगा तो फिर यार कैसे रहेगा। हाँ मैं समझ रही हूँ, आप करो फिर उनसे बात, क्योंकि हमें तो 10 दिन आप 10 दिन हमारे को इंस्टाग्राम बात करते हुए और तुम कह रहे हो शादी करेंगे, मैं तो ट्रस्ट नहीं करता। देखो इतनी जल्दी आप है ना, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना आपको, ट्रस्ट क्यों नहीं करते यार। देखो अगर आप फेम के पीछे भाग रही हो, फेम पे मर रही हो कि भाई मैं नहीं, इसके फॉलोवर इतने हैं, कुछ भी है, तो वो आप गलत है। क्योंकि रिलेशन में ना हमेशा टाइम देना चाहिए। 10 दिन हमारे को बात करे और तुम कह रहे हो शादी करूंगी मैं, तो शादी तो करनी पड़ेगी ना, कब तक चलेगा? आप मुझसे प्यार नहीं करते तो वो अलग बात है। नहीं प्यार तो देखो अभी शुरुआत है, ये तो प्यार मैं कर, आपने कहा कि भाई आप, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अभी प्यार की शुरुआत है। और अगर अभी मतलब ये होगा कि आप रिलेशन में आ जाओगी साथ में, तो हम चलते रहेंगे साथ में, हम एक दूसरे को जानेंगे, क्या अच्छा पसंद है आपको, क्या मुझे पसंद है, कल आपको क्या क्या चीज़ आपकी फेवरेट है, क्या चीज़ फेवरेट नहीं है, तो ये चीज़ें हमारे ना कॉम्बिनेशन है ना होना जो जरूरी लाइफ के अंदर। अगर आप चाहते हो कि भाई कोर्ट मैरिज कर ले, 10 दिन का प्यार, 10 दिन के अंदर आप हम शादी कर लेंगे, सब सब काम हो जाएंगे, 10 दिन हमको बात करते हुए फिर भाई लाइफ में बैठ कर रोने के भाई दिक्कतबाजी हो रही है, तो यार मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ अपनी सेपरेट और सिक्योर लाइफ, तो वो उसके लिए मुझे ऐसी कैसी लड़की चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा और कुछ नहीं यार, एक दोस्त है वो तंग कर रहा है थोड़ा। अच्छा क्यों? दोस्त है मेरा फ्रेंड जो मैंने बताया था, वो परेशान है यार बहुत ज़्यादा। अच्छा इसलिए प्यार के चक्कर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो दोस्त है ना उसको एक लड़की ना ब्लैकमेल कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है यार उसको एक लड़की, उसकी प्राइवेसी चीज़ है कुछ पता नहीं, फोटो से क्या है उसके पास में, है लड़की के पास में, तो यार बहुत बेकार होती है सच में। अब तुम खुद लड़की हो, तुम बुराई कर रही हो क्या? लड़की कोई कोई लड़कियाँ होती हैं ऐसी जो पैसे के पीछे भागती है, वो उसका पैसे खा रही है, सब चीज़ कर रही है, उसको ब्लैकमेल कर रही है, वो लड़का उससे इतना प्यार करता है कि सुसाइड करने तक की नौबत आ गई, एंड मोमेंट पे मैंने उस लड़की को बचाया है। मैं चाहता हूँ कि टाइम दो मेरे को यार, ऐसे मेरे को पसंद नहीं है। तो गलत बात है ना? गलत नहीं, बस ये प्रमिस कर रहा हूँ आपसे मैं कि गलत नहीं होगा आपके साथ में कुछ भी, प्यार करूँगा, सच्चा करूँगा, लेकिन तरीके से निभाऊंगा, ऐसे जल्दबाजी में नहीं यार, कि मतलब ऐसे हम उठ के ऐसे भाग रहे हैं प्यार के चंद दे होकर होकर, वो चीज़ काम नहीं करना। ठीक है काटो। आप मिलना चाहते हो उस लड़के से? मैं हाँ मिल लूँ। वो बहुत परेशान है यार, तो मैं चाहता हूँ उसका ना फोन मिलाता हूँ उसको, उसकी फ़ोटो नहीं है मेरे पास में ना, लड़की की फ़ोटो ना लड़के की फ़ोटो है, अच्छा है मेरा फ्रेंड वो। अरे हाँ हो गया होता आप ना, हाँ मैंने कर दिया है, आ जा तू, आ जा कुछ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। फ़ोटो नहीं है उस लड़के की मेरे पास में। अच्छा हाँ, फ़ोटो रख के क्या करना है, मैं सुनो लाइव दिखा दूँ आपको उसको, परेशान नहीं क्या बता उसकी, आप कुछ बता सको, अगर वो लड़की आपके सामने आएगी तो आप क्या करोगे? मैं उसको जान से मारूंगा। जान से मारोगे? पक्का? हाँ। मेरा फ्रेंड आ गया। हेलो, ये मेरी फ्रेंड है रिया, और बताओ तुम। बस भाई यही वो लड़की है यार जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। मतलब तुम दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल ले गया मैंने आपको? तो ना फिर क्या किया? करता मैं ना, मेरी ऐसी हैबिट। अरे यही किया है आपने? यही नहीं किया, आप जानते उसको? मैं नहीं जानती। इन्होंने ना भाई मेरी ज़िंदगी ना सही में बर्बाद कर दी, मेरी प्राइवेसी, मेरी प्राइवेट चीज़ें इन्हीं के फ़ोन में, और मेरे को इतना ब्लैकमेल करा ना। तो मैं तो कर, मैं मेरे पास तो है। अब तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, उसकी सुनो पहले वो क्या कह रहा है, तू बता भाई। भाई ये नौबत आ गई थी, मैं मरने वाला था, मैं सुसाइड करने वाला था सिर्फ इसकी वजह से। ये ऐसी करती है हर लड़की के साथ, ऐसी करती है, हर किसी को फंसाती है। भाई आपको हाँ, आप मेरे को ही फंसा रही थी हाँ। इसलिए मैं आपके पास आया कि भाई आप ही मेरा सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सॉल्यूशन मैं नहीं निकालूंगा मेरे भाई, आप देख सबके सामने बात है ये, आप बताओ तुम गलत, तुम शादी करोगी मेरे से? शादी करोगी? मैं क्यों गलत? मैं गलत अब तुम्हारे औकात नहीं शादी करने की, इतनी उर्की परी नहीं है तू, इतनी उर्की परी नहीं है, समझ रही भाई? ऐसी सोच रही है भाई, ये ऐसी कहती है कि अपने सोच रही तू गोरी है, इससे गोरेपन का ना, गोरेपन का तू मत उठा फायदा, गोरेपन का फायदा मत उठा, इतनी सुंदर नहीं है तू, समझ गई? ये मेकअप करके तू बाहर जाती है, तू क्या करेगी तू है? इसको तो इसको फसाएगी बेचारे को, ये बेचारा ये देख सकते देगी, इसको तो तुमने क्या हाल कर दिया तूने इसका? इसकी इतनी अच्छी नौकरी, तेरे चक्कर में उसने नौकरी छोड़ दी इसने। भाई सब कुछ चला गया यार, सब कुछ सिर्फ इसकी वजह से, और ये ऐसी करती है, हर किसी को ऐसी फंसाती है। तू तो कह रही है मैं तुम्हारी कसम, तुम तो मेरे फर्स्ट हो, मेरी कसम झूठी? मैं नहीं जानती भाई, मेरे को भी यही बात नहीं जानती।
मेरे को भी यही बात बोला। तुझ जैसे लड़की मैंने तो कभी देखी नहीं है भाई। फोन चेक करो ना, फोन चेक करो, फोन दिखाना अपना। फोन को दिखाओ, यही कारण था जो तूने फोन नहीं दिखाया अपना। यही कारण था तूने बोला भाई फोन दो यार, मेरी प्राइवेसी यार। ये फोन तेरा है? हां ये फोन तेरा है, मेरा ही है। बिल दिखाइए उसका। मेरे पास अभी थोड़ी ना है, घर पर है। ये कह रहा है मैंने दिलाया मेरे भाई, आप उसका फोन चेक करो यार, फोन निकालो। सुन ये फोन ना, मुझे फोन तो दिखा दे, क्या प्राइवेसी, क्यों ब्लैकमेल कर रही है उस बेचारे को, क्यों इसको क्यों सता रही है तू? मैं तो नहीं सता रही। अरे मत उठाओ, भगवान बुरा मानता है। जिस तरीके तुम कर रही हो ना इसके साथ में बेचारे, तो तुम्हें खुश नहीं सकती तुम कभी भी किसी बंदे में। और ना तुम्हारे सच्चा प्यार कभी मिलेगा, ये बात है ना। एक दिल से बदवा दे रहा बंदा, ये कोई बात नहीं। ये ना बहसबाजी मत कर मेरे सामने, समझा। अपने दिखा दी औकात, क्या औकात दिखा दी? तो दिखा दी औकात, दोनों ऐसे ही। अरे दोनों ऐसे नहीं, नाम चलता है यहाँ पर, दोनों ऐसे नहीं है। अपना अंदर झांक, मैंने सबको बुला लिया। गोरी 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 मेकअप लगा कर, तो गोरी हो रही है। मैं मेकअप लगा के नहीं, मैं हुई ऐसी। अरे तो हरकत देख, हरकत अपनी, दिल तो काला तेरा। चुप रहे मेरे आगे, ज्यादा बको मत। इसकी जेब चेक करो, सिगरेट भी मिलेगी, गुटखा भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? देख लो भाई, आती है सकल से लग भी रही है तू। यही तो तेरे अंदर कमी है, वो नहीं हो गई। तू फसवाई और क्या? ले मैं तुझे फाड़ दे, ले फसवा फसवा, इसके फाड़ दे, कपड़ा फाड़ दे, फसवा ऐसे मत। और फाड़ू ले, हो गया तुम्हारा, हो गया ले फड़वा। ओ फसा फसा ना, क्या हो गया अब तेरे को? बोल, मुंह तोड़ देता तेरा अगर तू लड़का होती तो, समझ गई? रहने दे नहीं, हां लड़की समझ, छोड़ रहा हूं तेरे को, जा यहां से। मिलाता तेरा, मैं डांटे डांटे तेरे को। हो गया तेरा, हो गया तेरा भाई। फोन निकलो यार, इस फोन निकलो, पत्ता में सगल की। तू दिखाऊं फोन है? क्यों दिखाऊं फोन? ले दिखा ना, फोन करने क्या है इस बेचारे का? डिलीट कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पास है बैकअप। फोन देखो भाई, इतनी सारी चीजें। अबे लोग लगा रखा है, लोग खोल दो। कौन सा? मेरे को पता भाई, लोग मेरे को पता भाई, दिखाओ। खोल दे। नहीं खोल रही, नहीं खोल, खोल दे, रही, नहीं खोल, खोल दे, क्या नहीं, कर लेगा तू? लोग खोल दे, क्या क्या कर लेगा तू? ये करूंगा मैं, ये तेरा फोन हो गया कर ले, क्या करेगी तू? और तेरा फोन नहीं है, ये इसका फोन, था, फोन? ये मेरा था। इसका फोन ये था, मैंने दिलाया था ये। तेरे औकात नहीं है, तेरे औकात नहीं है। तू अगर तू रिचार्ज नहीं करा दे, अरे थोड़ा हाँ, मेरे पे लैपटॉप में मेरा डेटा है। मैं लैपटॉप में सही नहीं कर सकती क्या? मैंने तूने ये किया है, ये तूने क्या किया है? ये ना तेरे पैसों का था और ना तेरे को दुख हो रहा है। लैपटॉप तो है ना, मैं उसमें से दिखा सकती क्या? लैपटॉप में है खेल तो रच दिया, लेकिन तुझे बाहर निकलना नहीं आया इस खेल से, समझ गई? तुझे आता है सकल ना, इतने भिड़ाऊंगा को तेरे परेशान कर दिया। ये मेरे पास आया, इसने मुझे बताया कि भाई ये लड़की मेरे को परेशान कर रही है। आप तेरे तोते उड़ गए इसको देखते ही। सुधर जा, मान जा, मत छोड़ दे सब, अच्छा नहीं होता लड़कों को बसाना, मत करा कर ये ऐसे उल्टे उल्टे काम। तेरे घर वाले क्या सोचेंगे तेरे को देख के? तू रहने दे, हाँ शरीफ है। क्या देख तू मेरा, क्या देख ले तूने मेरा, क्या देख ले तूने मेरा? तेरे बाप ने तो कैमरा लगा रखा है और तेरी सारी चीजें ना वहां रिकॉर्ड हो रही है, समझ गई? ये क्या कर रहा है? ये क्या नहीं कर रहा, ये तेरी हरकतों से हुआ है बेटा, तेरी हरकतों से। अब फंसा कैसे फंसाएगी? अरे पब्लिक जज करेगी अब इसको, पब्लिक पब्लिक ऑडियंस देखेगी तेरे को इसको, समझ गई? अरे सॉरी मैं सब डिलीट कर दूंगी, मेरे मेरे फोन में है। मैं अब क्या हो गया, ऐसे मत कर। तू जैसी लड़की हो ना लाइन पे लाना आता है, समझ गई? जिस तरीके से जो तेरी हरकतें हैं ना, जो तेरी हरकतें हैं, मैं सब डिलीट कर दूंगी सच में। कब करेगी? मैं सब कर दूंगी डिलीट, प्लीज ऐसे मत कर। मैं ये अपलोड अपलोड मत कर तू, अपलोड होकर रहेगी। शब्द ना छोड़ दे, अब कुछ डिलीट नहीं होगा। अब तू लोगों के सामने आएगी, अब तेरे को सब। अब क्या हो गया, अब तेरे तोते उड़ गए तेरे, हैं? अब क्या हो गया? अरे मैं सब डिलीट कर दूंगी, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दे यार। क्या डिलीट करेगी तू? मैं सब डिलीट, मेरे लैपटॉप में मेरे कुछ भी नहीं है, मैंने सब डिलीट किया हुआ है। बस मुझे माफ कर दे यार प्लीज। मैं आगे सर, आप सच्चाई के सामने जैसे कह रहा था ना, वो कुछ नहीं कर सकती, वो तेरा बाल नहीं फाड़ सकती, समझ गया?
तेरे चक्कर में मरने वाला था, और देख तेरे हालत, इसकी हालत देख, इसकी हालत बेचारे कैसी हो गई है। मेरे से बात, अब मैं तो बात ही मत करियो, अब मैं कभी फोन मत करियो, वरना देख लियो अब तू, अगर तूने मेरे को फोन करा, अब तेरा फैसला है ना, मैं कोई भी नहीं करेगा, मैं ये करेगा ना, मैं करूंगा भाई, जो कुछ करेगी करेगी, ये अपलोड होगी वीडियो। मेरे को मत बोल तू, बस मेरे को मत बोल, जब मैं तेरे आगे आया, जब मैं तेरे पास आया था, इतना बोल रहा था, तब तेरे को नहीं समझ में आया था। प्लीज यार माफ कर, प्लीज जो रही है मेरे आगे प्लीज तो बोल के ना, मेरे वो मत कर, समझ गई, तेरे अंदर ऐसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा ना, बस तू लड़की है इसलिए कुछ नहीं कह रहा, देखो मारोगे खुद के आप गंदे होंगे, रहने दो, ये आई है यार, प्लीज मेरे को मत बोल भाई, प्लीज हो गया बस, हो गया, अब पब्लिक देखेगी जो देखेगी, चल जा, अरे सकल मत दिखाइयो अपनी, अगर असली बाप की बेटी है ना तो नजर मत आ जाइयोगे मेरे को, चल निकल यहां। सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है, ये ड्रामा जो कराया गया है वो सिर्फ इस लड़की का पर्दाफाश करने के लिए करा गया है, अब जो कुछ जजमेंट करनी है वो आपको करनी है, मेरे को उसकी जान बचानी थी, इसके आगे सच्चाई लानी थी, इसको मैंने कहा था डर मत, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ अरगाइज उसका चेहरा ब्लर करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में किसी लड़की की बदनामी हो, ठीक है, लेकिन जो हकीकत लानी सामने वो मैं ले आया हूँ, अब जैसे मेरा